guys, welcome back to my YouTube channel DTH Digital Skills. Myself Saba and I am back with the new and interesting video. So guys, जैसे कि आप लोग thumbnail लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं, आज interesting video में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ top 5 cute selfie caption ideas. यहाँ दोस्तों आप girl हो, boy हो, कोई भी अगर आप selfie लेते हो, तो आप caption में से कोई से भी caption आप use कर सकते हो, जो कि perfect रहेगी आपके हर एक selfie के लिए. तो बिना कुछ देर करे video start करते हैं. But video start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरा ये makeup look पसंद आया है, तो मेरा एक makeup channel भी है, जिसका नाम है How to End Style. So guys, आप मेरे उस channel को भी subscribe कर सकते हैं और आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं. तो अब बिना कुछ देरी करे इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं. कैप्शन नंबर 1, व्हेन यू हैव टू वर्क, वर्क विद स्माइल. सो गाइज, अगर आप एक वर्किंग टाइम पे सेल्फी लेते हैं, तो आप यहाँ पे कैप्शन यूज कर सकते हैं कि व्हेन यू हैव टू वर्क देन वर्क विद स्माइल, मतलब जब तुम्हें काम करना हो तो स्माइल के साथ काम करो. कैप्शन नंबर 2, कीप द स्माइल ऑन. गाइज, कैप्शन का मतलब ये होता है कि स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर रखो, बस इतना सा मतलब है. और जैसे मैं स्माइल करती रहती हूँ, आप भी स्माइल करते रहोगे, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा. कैप्शन नंबर 3, ए स्माइल इज अ कर्व दैट सेट एवरीथिंग स्ट्रेट. गाइज, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि स्माइल एक ऐसा कर्व है जो हर एक चीज़ को स्ट्रेट सेट कर देता है. मतलब कोई गुस्से में आया, आप उसे बड़े प्यार से स्माइल करते हुए बात करें, तो यकीनन उसको गुस्सा खत्म हो जाएगा. तो ये एक एग्जांपल था. तो होप सो गाइस, आपको ये कैप्शन समझ आ गया. कैप्शन नंबर 4, स्माइल इट कन्फ्यूजेस पीपल. गाइस, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप मुस्कुराते रहो, चाहे कितने भी परेशानी में हो, टेंशन में हो, लोगों के सामने आप मुस्कुराओ, क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूज करता है. मतलब ये कि अरे यार, ये दुखी है, ये खुश है, अपनी लाइफ में क्या है, क्योंकि लोगों को आजकल अपने छोड़कर सबकी पड़ी होती है. लोग अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं, तो वो आपकी स्माइल देखकर जरूर कन्फ्यूज हो जाएंगे. तो आप बस ये करिए. कैप्शन नंबर 5, लीव अ गुड स्टोरी. गाइस, इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि एक अच्छी स्टोरी जियो. मतलब ये कि आप सबकी लाइफ छोटी सी है, सबको पैदा होना है, सब मर जाते हैं एक दिन. तो जब भी आपकी डेथ हो, जब भी आपकी स्टोरी का, आपकी लाइफ का एंड हो, तो वो जो स्टोरी हो वो अच्छी स्टोरी हो. मतलब कभी भी कोई एक स्टोरी किसी को सुनाए, तो वो बहुत अच्छा लगे सुनने में, लाइक स्टोरी टाइप लगे. सो इतना सा मतलब था इस कैप्शन का. तो होप सो गाइज, आपको ये कैप्शन क्लियर हो गए होंगे. तो आज इस वीडियो में बस इतना ही. मुझे उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसी लगी, दोस्तों से जरूर शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना. मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने फैमिली का ध्यान रखना.